बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो पॉक डॉट कॉम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC का चलान फॉर्म कैसे फिल करना है। ये जो आपके सामने एक चलान फॉर्म नज़र आ रहा है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चलान फॉर्म है। इसकी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आप एक पेज पर प्रिंट निकाल लेंगे। इसमें आप देखें, एक बैंक कापी है, ये बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं। ये ट्रेजरी कापी है, ये वो भी अपने पास रख लेते हैं। और ये कैंडिडेट्स कापी और FPSC कापी, ये आपको दे देते हैं। अब इसके ये 4 पार्ट्स हैं, लेकिन ये देखें, ये सेम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने फिल कैसे करना है। ये आपके सामने एक चलान फॉर्म को मैंने एक हिस्सा जो है वो पेन के ऊपर खोल लिया। आप इसको पेन के साथ फिल करेंगे। अब बैंक्स नेम है, बैंक्स नेम में आप सिंपली लिख सकते हैं जैसे NBP, ठीक है। यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये आपका आ गया NBP। यहाँ पे बैंक्स कोड है, ठीक है। ये आप कुछ भी जैसे ये आप ये बैंक को आप बैंक वाले आपको बता सकते हैं ये क्या है। यहाँ पे आप उसकी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, लेट्स सपोज चकवाल आप लिखते हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज अली अहमद। इसमें फादर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। और सबसे अहम बात, यहाँ पे ये केस नंबर है। अब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, उसका एक केस नंबर होगा F4-54। यहाँ पे 2019 होता है तो इस तरह आ जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ एग्जामिनेशन फीस फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फीस लिखनी है, नहीं यहाँ पर फी नहीं लिखनी, बल्कि यहाँ पोस्ट में लेट सपोज आप सीनियर ऑडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने फीस लिखनी है 300। अगर आप 17 तक अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप लिख देंगे। अब इसी तरह बाकी हिस्से भी आपने इसी तरह फिल कर लेने हैं 4 हिस्से। और उसके बाद आप बैंक में जाएंगे और वहाँ पे आप सबमिट करेंगे और वो आपको एक नंबर दे देंगे। और ये है इसका चलान फॉर्म फिल करने का तरीका। parho.com को विज़िट करते रहें ताकि लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।